नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। आप सभी हजरात को ईद का चांद बहुत बहुत मुबारक। हिलाल कमेटी के सदर जनाब मोहम्मद अब्दुल अहद साहब ने कमेटी के सेक्रेटरी शेख लायकुद्दीन और मदरसा मदीनतुल उलूम के सदर मदर्रिस जनाब मुफ्ती वजुल कमर की मौजूदगी में मीडिया से कहा कि कटक में आइंदा कल बरोज सनीचर ईद मनाई जाएगी। हालांकि कटक में चांद नज़र नहीं आया, लेकिन गिर्दो नवा में चांद देखे जाने की तस्दीक हो गई है। लोग शहादत के लिए निकल चुके हैं, उनके वापस पहुंचते ही इसका बाकायदा ऐलान किया जाएगा। इससे कबल अंजुमन इस्लामिया दीवान बाजार के वसी हॉल में रमजानुल मुबारक 2023 की आखिरी इफ्तारी का एहतमाम किया गया, जिसमें कटक और गिर्दो नवा के 300 से ज्यादा लोगों ने इफ्तारी किया। इस मौके पर उर्दू अकेडमी के नौ मुंतखब सदर अलहाज नफीस दसनवी ने मिल्लत इस्लामिया को ईद की मुबारकबाद पेश की। हम उन्हें अकादमी के सदर चुने जाने पर अपनी नेक ख्वाहिशात पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं उनकी सदारत में अकादमी उर्दू जबान के फरोग की नई तारीख रकम करेगी। साथ ही परवाज सुखन के सेक्रेटरी जनाब शौकत रसीदी साहब और सदाए उड़ीसा के मुदीर शेख कुरैश साहब को भी उर्दू जबान और अदब की बेलोस खिदमत के लिए मुबारकबाद पेश करते हैं। मैं सैयद नफीस दसनवी और मैं उड़ीसा उर्दू एकेडमी का नया वाइस प्रेसिडेंट मुंतखब हुआ हूँ। इसके लिए मैं उड़ीसा गवर्नमेंट का उर्दू कल्चर डिपार्टमेंट का, उर्दू एकेडमी का, डॉक्टर मुशीर आलम का, इन सबों का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप लोगों से दुआ करता हूँ कि मेरे हाथ में दुआ करें कि मैं उर्दू के तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए कुछ काम कर सकूँ। आप सबकी नई ख्वाहिशात हैं और अभी ऐलान हुआ है कल ईद मनाया जाएगा। आप सबों को ईद की पेशगी मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। मैं शौकत रशीदी, उड़ीसा उर्दू राइटर्स गिल्ड का सेक्रेटरी हूँ। मैं सबसे पहले दिल की बेपनाह गहराइयों से तमाम मुसलमान भाइयों को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। सवाब जिसने कमाया है ईद उसकी है, सवाब जिसने कमाया है ईद उसकी है, नसीब जिसने जगाया है ईद उसकी है, वो जिसने रोज़ा रखा जान लीजिए उस पर खुदा के फजल का साया है ईद उसकी। शेख कुरैश, आप सबको दिल की गहराई से ईद मुबारक। इंशाल्लाह आइंदा कल हम लोग सब मिलकर ईद मनाएंगे और सबका ख्याल करें कि हम अपने अंदर भाईचारा को कायम रहे और प्यार मोहब्बत से ईद मनाएं। हाँ, मैं मोहम्मद अब्दुल अहद सदर अंजुमन इस्लामिया अहले सुन्नत वल जमात उड़ीसा कटक ऐलान करता हूँ। मुफ्ती उर्दू कमर ऐलान कर चुके हैं, मुख्तलिफ इलाके में हिंदुस्तान और उड़ीसा के मुख्तलिफ इलाके में चांद नज़र आया है। हमारे लोग गए हुए हैं शहादत लाने, कल ईद उल फितर की नमाज होगी और बाकी जो उनका जो आरती कार्रवाई है शहादत आने के बाद हम लोग पूरा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।